सो गाइज, आप अपने मॉनिटर को एक स्मार्ट टीवी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, क्या क्या डिवाइसेस चाहिए होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही हम देखेंगे कि एक मॉनिटर को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने के बाद कैसा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या क्या डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको एक मॉनिटर चाहिए होगा। आपके मॉनिटर के अंदर एक HDMI पोर्ट होना चाहिए। अगर HDMI पोर्ट नहीं है और सिंपल VGA पोर्ट है तो आपको VGA टू HDMI कन्वर्टर चाहिए होगा। इस तरह का एक Android TV बॉक्स चाहिए होगा जिसके अंदर आपको HDMI आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा। इसकी जगह पे आप Amazon Fire TV स्टिक भी यूज कर सकते हैं या फिर आप MI का Android TV बॉक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके मॉनिटर में बिल्ट इन स्पीकर्स हैं तो आपको एडिशनल स्पीकर्स की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप एक ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वायर्ड स्पीकर पड़ा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इन सब डिवाइसेस के कनेक्शन सेटिंग दोस्तों बिल्कुल इजी हैं, तो चलिए देखते हैं इनके कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहले अपने मॉनिटर की पावर सप्लाई केबल को कनेक्ट कीजिए। इसके बाद HDMI पोर्ट के अंदर HDMI केबल को कनेक्ट कीजिए। HDMI केबल के दूसरे एंड को Android TV बॉक्स के साथ कनेक्ट कीजिए। इसके बाद Android TV बॉक्स की पावर सप्लाई केबल को कनेक्ट कर दीजिए और साथ ही इसके अंदर हम एक वायरलेस माउस का अडेप्टर कनेक्ट कर देंगे। मॉनिटर में सामने की तरफ कोई केबल ना दिखे इसलिए हमने इस Android TV बॉक्स को इस तरह से बैक साइड में हैंग कर दिया। सो गाइस, सारे कनेक्शन हो जाने के बाद H96 Max Android TV बॉक्स का इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैंने इस Android TV बॉक्स को अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है और इसके अलावा मैंने अपने ब्लूटूथ स्पीकर को भी इस Android TV बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप इस Android TV बॉक्स को एक रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और मुझे माउस के साथ ऑपरेट करना ज्यादा इजी लगता है, तो आप माउस भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके अंदर सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि YouTube, Sony Live, Prime Video, G5, Voot, Netflix, Disney, तो सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्ले स्टोर भी मिल जाता है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन को एडिशनल अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ से जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम YouTube ओपन करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आओ देखिए क्या क्या बनता है मिल्क प्लेट से। 500 से भी ज्यादा रेसिपीज। तो आप रिमोट कंट्रोल से वॉइस कम ज्यादा कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे पास आ चुका है Digitech का DPR520DH टाइपो। तो ये टाइपो दोस्तों मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बॉक्स के अंदर आप। सो गाइस, बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है इस Android TV बॉक्स का। ट्रैवलिंग के दौरान इजीली कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, नेटफ्लिक्स भी आप इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको फायरफॉक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं। सो गाइस, ओवरऑल एक्सपीरियंस इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का काफी बढ़िया है। अगर आप अपने मॉनिटर को एज ए स्मार्ट टीवी यूज करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है।